हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश वर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 से चैप्टर नंबर 4, द कीबोर्ड एंड द माउस। कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है और माउस है, उसका क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, उसी को पढ़ेंगे। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। कंप्यूटर का जो पार्ट है कीबोर्ड और माउस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे उसके अंदर क्या क्या लेटर्स रहते हैं, कौन से बटन है, उसी के बारे में रीड करेंगे। कीबोर्ड इज द यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर। अ कीबोर्ड हैज मैनी टाइप्स ऑफ की। जो कीबोर्ड होता है वो लेटर्स टाइप करने में और नंबर्स टाइप करने के काम आता है। कीबोर्ड्स के अंदर बहुत सारा की होता है, ये देखें यहाँ पे दिख रहा है, ये एंटर की, ये शिफ्ट, शिफ्ट की दो होता है, ये अल्फाबेट की है, ये वाले सारे नंबर की है, ये भी नंबर की है, ये भी कीज है, ये एस्केप का बटन है, एक डिलीट का बटन है, ये कैप्स लॉक का बटन है, तो इसी के बारे में हम लोग आज रीड करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट की, देखिए ये वाला अल्फाबेट की है। दीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग कैरेक्टर्स एंड वर्ड, इसको टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर्स की, ये नंबर टाइप करने के काम आता है, नंबर की दो टाइप का होता है। नंबर कीज आर प्रेजेंट टू टू पैलेस ऑन द कीबोर्ड, दो तरह की, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। This key used to type capital letters when caps lock key is on, all the letters will be appear in capital. When you press the caps lock key again to make off, you can small letters again. Caps lock key जो use हो ऐसा है, इसको on off करने पर, अगर on करते हैं तो capital जो letter alphabet है वो capital अक्षर में आ जाएगा, और off करते हैं जो भी alphabet है वो small में आ जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। कर्सर कंट्रोल की, ये जो चार एरो की होता है इनको कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। द कर्सर कंट्रोल की आर यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ कर्सर अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एरो की। इनको एरो कीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्सर को जो कंप्यूटर में लाइन आती है जिसको कर्सर बोला जाता है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं उसी के काम में ये कंट्रोल कीज आती है। स्पेस बार की स्पेस देने के काम आता है, जो यहाँ पे ये बड़ा सा की है। बैक स्पेस की को कोई भी चीज़ों को इरेज करने या डिलीट करने लेफ्ट साइड से ये काम आता है, लेफ्ट इरेज करने के। डिलीट की भी, दिस की आर यूज टू इरेज कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर, जो कर्सर की राइट में होते हैं उसको डिलीट करने के काम आता है डिलीट की। एंटर की मूव द कर्सर नया लाइन में जाने के लिए एंटर की का यूज होता है, एंटर की ये वाला होता है। सर्टन कीज हैव टू सिम्बल्स प्रिंटेड ऑन दैम, द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप दोस अपर सिम्बल, ये देखिए शिफ्ट की ये भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब शिफ्ट की क्या होता है, जैसे ये जो कैरेक्टर है इनके साथ, जैसे ऊपर वाला खाली दबाने से हो जाएगा और नीचे वाला जो अगर आपको प्रिंट करना है तो इसको इसके साथ प्लस करके करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे देखिए इसने इसके साथ प्लस किया तो ये ऊपर वाला आ गया। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टाइप क्वेश्चन मार्क सिम्बल, प्रेस होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द की विद द क्वेश्चन मार्क सिम्बल, आपको पहले शिफ्ट की को भी साथ में दबाना होगा देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे ही सिमिलर यू कैन टाइप द सिंबल लेटर, जैसे कि आपको यहाँ पे हैश की है और थ्री है तो आपको हैश दबाना है तो आपको शिफ्ट के साथ दबाना होगा। यहाँ पे भी देखिए अगर आपको कोई अक्षर कैपिटल एक ही अक्षर लिखना है कैप्स लॉक के बिना तो इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये भी कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल की, दिस की इज यूज टू अलॉन्ग विद द अदर कीज फॉर स्पेशल पर्पज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंट्रोल एंड प्लस एस टू सेव द फाइल, ये शॉर्टकट कीज के लिए यूज होता है। होम की, दिस की यूज टू टेक्स द कर्सर टू बिगनिंग ऑफ लाइन, होम की का मतलब है जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा, एंड की जो कर्सर है वो लास्ट लाइन के एंड में चला जाएगा। पेज अप, दिस की मूव द स्क्रीन वन पेज, मतलब कि दूसरे पेज आना है नेक्स्ट पेज। पेज डाउन, दिस की मूव द स्क्रीन वन पेज डाउन, मतलब एक पेज पीछे चला जाएगा और उससे एक पेज आगे आ जाए। माउस, अ माउस इज यूज टू पॉइंटेड एंड सेलेक्टिंग थिंग्स ऑन द स्क्रीन, इज द थ्री बटन यूज, देखिए लेफ्ट स्क्रोल बीच वाला और ये राइट बटन। होल्डिंग द माउस, माउस को देखिए, द फिंगर शोज द करेक्ट वे टू होल्ड द माउस, द इंडेक्स फिंगर इज द कैप द लेफ्ट बटन एंड द मिडल फिंगर इज द कैप द राइट बटन, ऐसे आपको माउस को होल्ड करना होता है। देखिए कैसे किया है, देख रहा, बस ऐसे ही आपको माउस को होल्ड करना होता है। अब माउस का यूज क्या है देखिए, नेक्स्ट है क्लिक, प्रेसिंग द लेफ्ट बटन एंड देन रिलीजिंग इट इज द क्लिक। क्लिक किसको बोलते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करना और फिर उसको छोड़ देना क्लिक होता है। क्लिक यूज टू सेलेक्ट एन आइकन, क्लिक का मतलब होता है जो भी आइकन आपको कंप्यूटर में सेलेक्ट करना है वो क्लिक से हो जाएगा।
डबल क्लिक क्लिकिंग टिप्स, मतलब कि दो बार एक ही लेफ्ट माउस को दो बार टिक क्लिक करना, उसको डबल क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक का मतलब है जो भी आइकन पर आप क्लिक करो वो खुल जाएगा। राइट क्लिक, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग राइट बटन माउस इज कॉल्ड राइट क्लिक। राइट क्लिक ऑप्शन स्पेशल लिस्ट ऑफ कमांड, राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो आप कोई भी कमांड उसको खोल सकते हैं। ड्रैग क्लिक द लेफ्ट एंड माउस, मूविंग द माउस विदाउट रिलीजिंग बटन इज कॉल्ड ड्रैग। लेफ्ट वाला बटन क्लिक करते हैं और उसको छोड़ते नहीं है, उसको ड्रैग बोलते हैं। ये मूव आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम आता है। स्क्रोल जो बीच वाला है, ये वाला जो स्क्रोल है ये वाला। रोलिंग एंड स्क्रोलिंग व्हील द माउस इज कॉल्ड स्क्रोल, जो बीच वाला व्हील है उसको ऊपर नीचे घुमाना उसको स्क्रोल बोलते हैं। ये इज मोर पेज डाउन अपन, पेज जो ऊपर नीचे करने के काम आता है। चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, कीबोर्ड के बारे में अच्छे से जानिए।